बैक टू आर न्यू ब्लॉग कशिश ब्लॉग्स। वेलकम बैक टू कशिश ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मतलब इस चैनल में मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइस मैं कुछ नहीं कर रही, मैं आज कशिश को देख रही हूँ, वो बहुत बैठी हुई है और ना एकदम आलस की भरी। और मैं कहूँगी ना चल बहन एक प्रैंक करते हैं, मम्मी पापा पे कुछ करते हैं, चल आज कुछ खाना बनाते हैं और फिर उस लोगों को दिखाएंगे, गाइस को दिखाएंगे कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। तो वो बोल देती है नहीं बहन मैं बोर हो रही हूँ, मैं नहीं, मतलब आज सुबह से ना हम दोनों बैठे हुए, मैं तो जस्ट अभी नहा के आई हूँ, आपको दिख रहा होगा पाउडर भर रखा मैंने अपने गले पे, तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं गुन्नू को जाके बोलती हूँ कि एक चैलेंज ही मान ले, कल को तेरे शादी के रिश्ते आने लगे, कुछ आने लगे तो तुझे खाना वाना बनाना तो आना चाहिए। अब आप लोग कुछ काजू कतली खा रही है कोमल, धीरे धीरे खा रही है कि पूरी खत्म ना हो जाए। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, अब बहुत सारे आएंगे सो कॉल्ड पीपल्स यहाँ पे ज्ञान पेल ले कि पहले तू तो अच्छी बन जा, पहले तू तो खाना बनाना सीख ले। तो मैं आपको जनरल नॉलेज भी बता दूंगी, मुझे खाना बनाने में सब कुछ बनाना आता है। मुझे पता है कि, तगड़ा हाँ मतलब मेरा अपने सब्सक्राइबर से इतना तगड़ा बॉन्ड है ना कि आप जो कमेंट करने वाले हो मुझे पहले पता लग जाता है। तो मुझे पता है कि 10 कमेंट्स तो ऐसे जरूर आने ही आने हैं, 10-15 मतलब 10% ऐसे कमेंट आएंगे ही आएंगे कि पहले खुद तो सीख ले। तो मैं आप उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मुझे खाना पीना सब बनाना आता है, ठीक है। मुझे बस क्या बनाना नहीं आता, मुझे कढ़ी नहीं आती और क्या नहीं आता, मुझे साग और कढ़ी नहीं आता, बाकी मुझे उसके अलावा सारी सब्जियां, दाल, राजमा, छोले सब कुछ बनाना था। मटर पनीर भी आता नहीं, कभी बनाया नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आता है ऐसे ही देख के। मतलब मैंने सारा खाना YouTube से ही सीखा था बनाना, मतलब मैंने ना आज तक खाना, मतलब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, सब्जी वगैरह मेरे घर में सबको ही पसंद है, जब कभी कभी बनाती हूँ, पर मुझे आता सारा है, पर मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, मम्मी ने भी नहीं सिखाया। आप लोग मम्मी से पूछ सकते हो, मैंने YouTube से सीखा है। मम्मी था ना, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मम्मी जब फैक्ट्री जाती थी ना, जब मम्मी जॉब करती थी तब मैं बनाने लगती खाना बनाती रहती थी, क्योंकि जब यूट्यूब चैनल नहीं था, यूट्यूब चैनल होता मेरा तो मैं खाना बड़ी बना रही होती, ब्लॉग बना रही होती। तो गाइस आज मैं जाकर कशिश को बोलूंगी कि आज मैं तो सिखाऊंगी खाना, तो आज मैं कशिश की टीचर बनूंगी और आज कशिश से कुछ खा बनाएंगे। जैसे कल उसकी शादी वादी हो तो इसे खाना बनाने तो आना ही चाहिए, अपना पेट भरने के लिए तो आना ही चाहिए ना। तो आराम फरमा रही है वहाँ पे, चलो चलते हैं। मम्मी हंसे जा रही है पीछे पीछे, मम्मी कह रही है देखो बोल भी कौन रहा ज्यादा ना, हंसने की जरूरत नहीं है, यहाँ घेवर मारे जा रही है बैठ के। चलो मैं तुझे आज खाना बनाना सिखाऊंगी, ये तेरा फोन है। आज तो खाना इसलिए नहीं, कल को तेरे रिश्ते विश्ते आने लग गए। गाइस किचन आप देख सकते हैं कितना मैसी हो रहा है, अब ये सारा किचन ठीक करेगी। क्यों खाना बनाएगी तू? ये टीवी बनकर खाना बनाना मस्ट है यार, मुझे तो आता ही है। कल को रिश्ते वाले आएंगे, मेरे रिश्ते का सबूत हो रहा। खड़ी हो गुन्नू चल जल्दी यार, मम्मी देखो इसको यार। अरे क्या है, क्या बनाना है? कुछ भी। मैं मम्मी आप क्या, मम्मी कुकर में क्या रखा है, मम्मी कुकर में क्या रखा है? आटा गूंदा हुआ है? चल पहले आटा गूंद लेगी तू। है क्या आटा गूंदेगी? आटा गूंदिंग मम्मी, आटा डाल के देना। नहीं मम्मी आप, मम्मी इतनी भी वो मत बनो, खुद डाल लो, पूरी सोच नहीं आता, लूटी जाऊं मैं। खड़ी हो जल्दी आटा डाल के दो। चल गाइस और बहुत जल्दी ना हम पेंट भी कराने वाले हैं ये वाली वॉल पे। अब मैं बता देती हूँ आपको क्यों, क्योंकि हमने ये वॉलपेपर लगवाया था, पर एक जो शैतान बच्चा मैंने पैदा करा है इसने खुरेज खुरेज के ये सारा काम उतार दे ये सारा काम इसका, ये सारा इसने खुरचा है। तो बहुत जल्दी पेंट कराएंगे तो आपको ब्लॉग में दिखेगा। मम्मी आटा ले आओ। चल अभी तो आटा गूंदेगी, उसके बाद गोल गोल रोटियां बनाएगी, उसके बाद रात को स्वीट्स में हलवा बनाएगी। क्या मैं दे रही हूँ ना भाई जिसको, ना सच बताऊँ ना मैगी के सिवाय से कुछ बनाना नहीं आता, कुछ नहीं सीख रही। और जब मैं इसकी उम्र की थी ना, ये बात सच है कि मुझे सब कुछ बनाना आता था। मम्मी बताओ, मम्मी बताओ, जब मैं इसकी उम्र की थी मेरे को सब बनाना आता था ना, इसकी एज में मुझे खाना बनाना आ गया था ना। देखा पापा आप बताओ, गुन्नू की एज में मुझे खाना बनाना आ गया था ना, सच बोलो यार। ये तो अलग ही एंटीक पीस है हमारे घर में। चल आटा गूंद, क्या है इसको, क्या है इसको, आटा गूंद लाओ, आज आटा ही गूंद के दिखाती हूं। हां ले आटा ले आओ गाइस, रुको आटा लेके आते हैं इसको गूंद, पानी को इसमें मतलब ऐसे बनाए इसको कि सॉफ्ट बैटर टाइप बन जाए। साइड में मत लगाना इतना यार। अरे यार मम्मी इसकी सीटी दे दो, इसकी सीटी में हाथ है भाई, घर है ये, क्या है ये मल, उसको एक क्या कर रही है, ऐसे ऐसे कर थोड़ा, चल ऐसा हो जाए कि ठीक हो जाए।
निशी ने नहीं मारा, मम्मी ने। अरे मेरा नाम यार मारा मम्मी ने, मेरा झूठा नाम फंसा रही है मम्मी ये तो। किसने मारा बेटे को? मम्मी ने मारा और मेरा नाम फंसा दिया इसने। निकल यहाँ से जा, मम्मी ने मारा था मेरा नाम फंसा दिया। कुन्नू दोनों हाथ पहले नहीं सांभते हो रहा है थी। चल करमल, मुझे लगा अंशु आके आगे कहेगा बहन क्या नाश मार रही है यार। कर 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 अभी कर। गाइस रुको थोड़ा, गाइस पूरा टाइम अगर करवाएंगे ना ब्लॉग लंबा बन जाएगा, इसके आगे वाली वीडियो ना फास्ट कर दियो। यंशु समझ के इतना भी पानी मत डाल, जा पानी भी उसमें रखना पड़ता है। नहीं मत बना लेना कहीं, आटा मेरा 5 किलो आटा खराब कर रहा है। नहीं हलवा बना लिया उसे। चल अच्छा ऐसे पैरों के बल पे, पैरों के बल पे हाथ का इसको एक हाथ से सारा समेट ऐसे करके जो बाउल में फैला है ना उसको सारे को एक इकट्ठा कर। हाँ चल जैसे साइड साइड में ना थोड़ा पानी करके ना देख, ये ले सारा इकट्ठा कर, ये पानी को साइड साइड में मल। हाँ अब तू रोज गुन तो थोड़ा जल्दी सीख जाएगी। अब इसको ऐसे ऐसे करते तेज, इसको करती जा ऐसे ऐसे करती जा। अभी वाली वीडियो फास्ट करनी, याद रखियो जब एडिट करेगी मुझसे पूछ लियो। दोनों हाथों से ऐसे बैठ जैसे मैं बोल रही हूँ, ऐसे हो जाए ऐसे देख ऐसे। हाँ चल ये थपकियाँ जोर की जान ऐसे टच कर रही है। अबे तो ये आटा ही क्या है इसके साथ ये सब? यही करना होता है। दिखा कैसा लग रहा है, टाइट है लूज है। हाँ अभी दे थपकियाँ दे दबा के। टोकर अभी तो भाग रहा है इधर, मैं क्या करूँ? पहली बात तो आटा ना बेड पे बैठ के गूंदते नहीं है, वो तो मैंने तुझे आज गूंदने दिया। बरकत उड़ती है आटा बैठ के बैठ पे गूंदने से। और तेज तेज दोनों हाथों से दबा दबा के थपकियाँ। नीचे जमीन पर निकल, निकल जमीन पर। चल अभी नहीं हुआ, जमीन पर जाके ही होगा ये जो ऐसे स्लिप हो रहा है। आ गया थोड़ी देर तक के जोर की टच मत कर, और तेज प्रेशर दबा के बिल्कुल पूरी बॉडी का प्रेशर इस पे लगा। अभी और होगा, अभी और मुक्कियां दे। आटा गूंदने तो इतनी मेहनत करते लोग। हाँ वो तेरे को आ रही है ना, वरना तेरे को हो जाएगा। इतनी मेहनत लगती है, इतना कुछ सोच रही है। और मुक्कियां दे बिल्कुल, जैसे ये बीच बीच में फटापन आ रहा है ना वो आए ना। हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं आटा गूंद गया। मम्मी देखो ये अपने आप से लैकरी कुतिया कुछ काम करती नहीं है। क्या है इसमें बताओ, कितना अच्छा आटा गूंदा। पापा देखो कितना अच्छा आटा गूंदा है, रोज आटा गूंदने में इतनी मेहनत। मैंने पापा ये कांगे घट जाए, आशीर्वाद देंगे। आप ही रख लो, 2 रुपए देती हूँ आपको। पापा इतना अच्छा आटा गूंदा है, जो ये रोज आटा गूंद ले तो इसकी जो इतनी बड़ी बड़ी जांघें हैं ये कम नहीं हो जाएंगी। मुझे देख के गाइस बहुत सीटियां मारता है, निकाल दो इसे घर से मम्मी। तो गाइस वो यार पीछे पड़ गए जबरदस्ती, क्या अजीब गरीब चैलेंज। तो मम्मी ने भी सामान निकाल दिया और डिमांड ये हलवा या वो लग रहा है चाय फट जाती है तो वो ऊपर मलाई आ जाती है। चीनी आप अलग से डालते हो? मैं तो चीनी का पानी बना लेती हूँ, वो सर्दी में लगता है। हर शेफ का तरीका अलग होता है ना, चीनी का पानी बनाते हैं सर्दी में। हलवा सर्व कर रहे हैं, सर्च कहने वाली थी मैं अभी। थोड़ा थोड़ा डाल रही, सब खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं डाले हमने?
अच्छा गाइस हम गरीब हैं, सुन लिया आप लोगों ने। मैं चम्मच ये लो, माय बेबी पसंद आ गया, माय बेबी को भाई को बुला लो। भाई का भाई अभी ये पापा, इसमें तीन औरतों का हाथ है, खाना बताऊंगा। बहन का ज्यादा है। बेटी चर्बी कुड़ी क्यों गई? बोल नहीं सकती तू। हमारा हाथ निकाल दे। हाँ मेरे पास ऐसे तू देख रही है उसको, पता नहीं देखा ना इस कटोरी में आ गई तो इसने इस कटोरी में कभी आ गई तो उसमें खा ली, इसमें उंगली मार दी इसमें। बताओ तो कैसा बना? तो मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, हलवा तो सबने खा लिया, सब फ्री हो गया। गाइस मैंने ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी वीडियोस में स्क्रॉल करती रहती हूँ जैसे, तो उसमें ना एक वीडियो ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी जो ना हेयर ग्रोथ्स के लिए थी, काफ़ी अच्छी थी। तो उसका जो बनाने का मेथड था ना बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो अभी ना मैं वही बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस मैं बना रही हूँ। जितना जब तक भी वो चलेगा बचेगा मैं तब तक उसे यूज़ करने वाली हूँ, देखती हूँ कुछ इफेक्ट पड़ा तो ठीक है। वैसे सामान तो घर का है, नेचुरल है, कोई हार्म तो होना नहीं है, बट हाँ अगर इफेक्ट पड़ा तो मैं बहुत खुश होंगी। वैसे ना गाइस मुझे बहुत सारी रील्स आती रहती है और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे काफ़ी सारी, वैसे मैं उनसे बोलती रहती हूँ ना यार मुझे एक्सटेंशन करानी है, मैं ओरिजिनल करा लूँ, ये करा लूँ, तो वो लोग मुझे काफ़ी सारे आइडिया सजेस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि नहीं अभी तो नहीं देखी। तो गाइज चलो आप लोग मुझे कोई बेस्ट टू बेस्ट आइडिया सजेस्ट करना, बट अभी जो मैं बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप। पहले मैंने लिया एक प्याज, तो मुझे प्याज तो नहीं लेना, मुझे बस इसके सारे छिलके लेने हैं ये जितने भी होते हैं। तो मैं पहले प्याज कट कर लेती हूँ। और गाइज यहाँ पे ना मुझे प्याज के छिलके इकट्ठे करने थे, तो मुझे वैसे प्याज का कुछ काम तो नहीं था तो मैंने खुद से ही काटे हैं अभी। और साथ में मुझे चाहिए था ये मेथी दाना, तो ये भी मैंने मम्मी से ले लिया है। और अब आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँ। सबसे पहले मैंने लिया प्याज जो मैंने रख दिया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही थोड़ा सा ये मेथी दाना जो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद गाइज मुझे इसमें डालना है आधा ग्लास पानी। और गाइज अब मुझे इसे रखना है कम से कम 10 से 15 मिनट ताकि ये उबले अच्छे से, और उसके उबलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो 10 से 15 मिनट अभी मैं मुझे इसे ऐसे ही छोड़ना है, तो मैं इसे भी ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो इसे ना 10 से 15 मिनट उबालना था, तो 10 से 15 मिनट उबलने के बाद ना ये कुछ ऐसा लगना लगेगा आपको, पर अभी मुझे 15 मिनट तो नहीं हुआ है तो मैंने अभी इसे रखा हुआ ही है। और उसके बाद इसे हमें छानना है, जिसके लिए मैंने अभी एक बर्तन भी धो लिया जिसमें मैं ये डाल दूँगी। साउंड है नहीं, गाइस बिहाइंड द सीन। अबे साउंड गया ही नहीं। अबे मैं ये मैं वा 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 तेरे काम है। तेल हो चुका है ठंडा, तो मैंने ये डब्बा धो के रखा है। मैं इस छाने हुए तेल को मेरे ठंडा कर लिया मैंने, वरना ये प्लास्टिक का बर्तन ही चल रहा था। तो मैं इसे इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ। सिर्फ हमें ये जो ऑयल से जो पानी पानी से दिख रहा है, अब सिर्फ हमें इसको लेना है, तो फटाफट से छान लेती हूँ। गाइस ये देखो ये तेल इतना तो बना है अभी, मैंने मेरे को आइडिया नहीं था ज़्यादा बनाना है कम, बट इतना बन चुका है अभी। अब इसे ना कॉटन से लेके ना हमें अपने स्कार्फ में लगाना है जैसा मैंने वीडियो में देखा था। तो चलो गाइस अभी मैं कर रही हूँ इस तेल को लगाना स्टार्ट, कुछ दिनों बाद या महीनों बाद, मैं अभी महीनों तक तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, देन रिजल्ट आपको बताऊंगी जरूर। 12 बज चुके हैं, मैं नोना को सुला रही थी, देखना नोना और पापा दोनों कैसे सो रहे हैं। पापा को भी आज नींद आ रही थी, नोना को सुलाते सुलाते यहीं सो गए। मैंने ना कॉटन ले रखी है, और मैं ना कॉटन को हल्का हल्का मतलब इस बॉक्स में डिप करके और ना अपने स्कार्फ पे लगा रही हूँ। हाफ साइड तो मीन्स मैंने लगा लिया है, बाकी हाफ साइड पे ना मैं कॉटन से ले लेके ऐसे अपने स्कार्फ पे लगा रही हूँ। और देखते हैं यार, वैसे ना इस वीडियो को काफ़ी वायरल हुई हुई थी और काफ़ी ना पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे थे, तो यार इफेक्ट कर जाए मे बी तो मैं बहुत खुश होंगी। तो चलो एक मिनट देखो मेरे को क्या मिला। तो चलो मैं अच्छा गाइस को दिखाने आपको। गाइस ये मेरा बर्थडे केक था ना लास्ट ईयर का, तो किसके मेरा बर्थडे केक? अच्छा हाँ ये जो पुनीत का बर्थडे था, तो उसमें मैंने पुनीत को एक बुके नहीं दिया था बहुत बड़ा सा, इस पे बैलून वगैरह लगे हुए थे, ये सारी फोटोज उस पे लगी हुई थी। तो कहाँ से मिला ये? मैंने ढूंढी है। गाइस ये हमारी फोटो कलेक्शन है दोनों की,
इसमें से मैं कोई एक अपनी फेवरेट फोटो बताऊं? ओ, ओ, एक अपनी फेवरेट फोटो बता रही हूँ ना, नहीं छोड़ दे। चलो गाइस तेल लगा के मिलते हैं। तेल अपने बालों में और मैंने ना हल्का सा एक जूड़ा बना लिया है। अब मैं ऐसे ही सोऊंगी पूरा रात और सुबह अपना हेड वॉश करूंगी। बाकी ना बहुत मीन्स अच्छा, मतलब जैसे डैंड्रफ वगैरह भी है ना सर में, तो मैं मतलब लगा के मैंने थोड़ी मालिश करी है ना, तो डैंड्रफ वगैरह भी बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है मुझे। बाकी चलो देखते हैं, सुबह हेड वॉश करूंगी। बता रही हूँ एक बात गाइस, दो दिन से हमारा भाई ना हम लोगों से खफा था, पता नहीं क्यों गाइस, किस बात पे, अपना अकेले अकेले रह रहा था उस कमरे में। और फिर इसका हम लोगों से वापस बात करना ना हम लोगों को हमेशा महंगा पड़ता है, क्योंकि उसके लिए गाइज हमें KFC से KFC बकेट मंगानी पड़ती है, बर्गर किंग से बर्गर मंगाने पड़ते हैं, और वो मम्मी बिरयानी कौन से बोल रहा था, बहरूस, हाँ बहरूस से बिरयानी मंगानी पड़ती है, कोक इसको अलग से चाहिए होती है, तो इसका हम लोगों से बात करना फिर अलग पड़ रहा है। तो प्रेरणा के पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे लिए ऑर्डर करवा ऑर्डर करो, प्रेरणा ने कहा मैं नहीं करवा रही, तो फिर मेरे भी झटके, बहन तू मंगा दे, फिर ये कर दे वो कर दे, तो फिर गई मैंने मम्मी को कहा चलो ऑर्डर कर दो मैं दे दूंगी। बाकी तो अभी मम्मी कर रही है ऑर्डर KFC बर्गर किंग से बर्गर, इसको बिरयानी भी खानी है, इसको मतलब सारे अलग अलग टेस्ट लेने हैं। तो मम्मी रोटी बना रही थी, हम लोगों ने मना कर दिया मैं रोटी मत बनाऊँ, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, मम्मी ऑर्डर कर रही है फटाफट से। बट गाइज मेरी बहन रोटी खाए गई सी रोटी बिना बर्गर के 1164 रुपये। हाँ, और बर्गर से बर्गर फिर बर्गर किंग से ही ले लेंगे, यहाँ भी टैक्स पड़ रहा है, वहाँ कम, मतलब यहाँ पे सिर्फ बकेट के 1100 सिर्फ बकेट के 1100 बकेट और वो जो स्ट्रिप्स थे। तो गाइस चलो मैं ये मैं एक मिनट बताती हूँ गाइस, तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, आपसे मिलूंगी कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। एंड इस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो एकदम धांसू ब्लॉग आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें आपको ना गाइस प्रेरणा, हाँ ये एक्सपायरी डेट है वापस जाएगी, तो गाइस उसमें ना आपको प्रेरणा और मेरा एक काफी डिफरेंट रोल दिखने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बने रहना ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।